एक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान को सेनाओं के आवागमन के लिए तैयार किया जा रहा था और बड़े बड़े पेड़ों को हाथियों की सहायता से उखाड़ा जा रहा था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गोरैया अपने चार बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहती थी। एक हाथी ने उखाड़ा और वह घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, साथ ही वह बच्चे भी गिर पड़े। लेकिन एक चमत्कार के कारण कोई भी अनहोनी होने से बच गई, वह बच्चे भी बच गए। घोंसला जमीन पर पड़ा था और गोरैया बहुत परेशान थी अपने बच्चों को बचाने के लिए। बच्चे क्योंकि छोटे थे इसलिए उड़ नहीं सकते थे। इतने में उस गोरैया ने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ आते हुए देखा और वह जैसे तैसे कोशिश करके अपने छोटे छोटे पंखों को फड़फड़ाते हुए श्री कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास करने लगी और वह अपने प्रयास में सफल हुई। उस गोरैया ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मेरे बच्चों को बचाएं, मेरे बच्चे वहाँ जमीन पर पड़े हैं, मेरा घोंसला गिरा दिया गया है और यहाँ पर आसपास कोई ऐसा पेड़ भी नहीं जहाँ पर मैं अपने बच्चों को ले जा सकूँ। और कुछ ही दिनों में यहाँ पर युद्ध होने वाला है और इसमें मेरे बच्चे और मैं मारे जाएंगे, कृपया मुझे बचाएं। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की और बताया कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि काल का चक्र अपने हिसाब से चलता है। गोरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा कि हे प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो कोई नहीं जान सकता। आप स्वयं काल के नियंता हैं और मुझे पता है कि सारी स्थिति और इस परिस्थिति में मैं अपने आप को और अपने परिवार को मैं आपके हवाले करती हूँ। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। भगवान बोले कि अपने इसी घोंसले में अगले 3 सप्ताह का भोजन संग्रह कर लो और जो प्रभु की मर्जी होगी, जो काल की नियति होगी, वैसा ही होगा। गोरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन उस गोरैया को दूर भगाने की कोशिश करते रहे और जब ये संवाद खत्म हुआ तो गोरैया अपने पंखों को फैलाकर अपने घोंसले की तरफ चली गई और अपने बच्चों की देखभाल करने लगी। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष के साथ युद्ध की घोषणा की गई और दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आकर खड़ी हो गई। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर वहां पर आए और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप अपना धनुष और बाण थोड़ी देर के लिए मुझे दो। अर्जुन एकदम हैरान थे क्योंकि उनको पता था कि श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में हथियार ना उठाने की प्रतिज्ञा की है। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मुझे आज्ञा दें, मैं आपका सेवक, अगर आप जो कहेंगे मैं उसे करने में सक्षम हूँ और मैं उसे करूँगा। लेकिन श्री कृष्ण ने फिर भी आग्रह करके अर्जुन से धनुष और बाण लिया, धनुष पर एक बाण लगाया और उसे एक हाथी की तरफ छोड़ दिया। वह बाण हाथी के गले में लटकी हुई घंटी पर लगा, एक छोटी सी चिंगारी निकली और वह बाण वहीं पर ही गिर गया। अर्जुन देखकर हैरान थे और अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, ये आपने क्या किया और क्यों किया? आप मुझे आज्ञा देते, मैं उस हाथी को अभी गिरा देता। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, जो होना था वो हो चुका, ये वो हाथी है जिसने उस गोरैया के घोंसले को गिराया था, इसलिए मैंने ये बाण चलाया है। अर्जुन के और सवालों को खारिज करते हुए श्री कृष्ण ने शंख फूका और युद्ध की घोषणा की। युद्ध शुरू हुआ और अगले 18 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ, कई लोगों की जाने गई और अंत में पांडवों की जीत हुई।
और इस जीत के बाद फिर एक बार श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले। जंग का मैदान कई शवों से, कई हाथियों से और बिखरी हुई चीजों से भरा पड़ा था। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ एक निश्चित स्थान पर रुके और उन्होंने अर्जुन से एक घंटी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अर्जुन जरा उस घंटी को वहां से हटा दो। अर्जुन हैरान थे कि इतनी सारी चीजों के बीच में श्री कृष्ण ने सिर्फ एक घंटी को हटाने के लिए ही क्यों कहा। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि आप जाओ और इसे करो। अर्जुन आगे बढ़े और उन्होंने एक विशाल घंटी जो कि हाथी की गर्दन से गिरी थी उसको उठाया। जैसे ही अर्जुन ने उस घंटी को उठाया, उस घंटी के अंदर से एक दो तीन चार 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 गोरैया के बच्चे एकदम से उड़े और साथ ही गोरैया उड़ी और वहाँ पर श्री कृष्ण के आसपास उड़ते हुए वह एकदम से चींची चींची करने लगे और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे सब खुश हैं। इस तरह 18 दिन पहले काटी गई वो घंटी उस घोंसले पर पड़ी और उसके अंदर पड़े हुए चार गोरैया के बच्चे और गोरैया इतने घमासान युद्ध में भी सुरक्षित रहे। यह सब श्री कृष्ण की कृपा थी और साथ ही उस घंटी के अंदर रहने का परिणाम। साथियों, आज का जो समय है यह लॉकडाउन का और कर्फ्यू का समय चल रहा है। ऐसे में आप भी उस घंटी की तरह अपने परिवार को लेकर अपने घर में रहिए। ऐसे कोरोना के समय में घर पर रहना ही बचाव है। अपने परिवार के साथ रहें और खुश रहें और इस समय को प्रभु की कृपा मानकर और उनका मनन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए अपना समय बिताएं। अच्छा समय अवश्य आएगा और आप फिर से अपने परिवार के साथ इस पूरे जहान का आनंद लेंगे।